देखो आप लोगों को पता होगा, अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो या फिर आपने अभी तक लिया है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी होती है जिसकी वजह से हमारे को कम प्राइस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाता है। तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है इसको फेम टू सब्सिडी कहा जाता है, और फेम टू सब्सिडी का मिस यूज़ कर रही थी ये चार कंपनियाँ, ओला, एथर, TVS और हीरो मोटोकॉर्प की वीडा। और गवर्नमेंट को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे मिस यूज़ हो रहा है तो गवर्नमेंट इन चारों ही कंपनियों को नोटिस थमाती है। नोटिस थमाने के बाद कंपनियाँ लाइन पर आना शुरू हो जाती है। ओला लाइन पर आ चुकी है, ओला 130 करोड़ रुपये रिफंड करेगी उन सभी ओला कस्टमर्स को जिन्होंने 30 मार्च 2023 से पहले ओला परचेज करी थी। ऐसे ही हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी वीडा का प्राइस 20,000-25,000 रुपये कम कर दिया है, जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और एथर को भी चार्जर का प्राइस जो है वो रिफंड करना पड़ेगा, और ऐसे ही TVS iQube के साथ भी होने वाला है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ TVS iQube के साथ क्या होने वाला है। अगर आपने TVS iQube परचेज करी है तो आपको भी रिफंड मिलने वाला है, लेकिन TVS ने एक और गेम खेला है वो भी आप समझना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत गेम है। अब देखो हुआ क्या, ये लोग क्या कर रहे थे, पहले अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ चार्जर को अलग रख रहे थे। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना कि इतने रुपए तक ही आपको सब्सिडी मिलेगी, तो उस प्राइस के अंदर तो सिर्फ अपना स्कूटर बेचते थे, फिर एडिशनल चार्जर बेचते थे अलग से रेट में, जिसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, जिसका आपको फुल पे करना होता था, और साथ में जो परफॉर्मेंस अपग्रेड, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, उन सबका चार्ज भी एड ऑन करते थे। गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला, गवर्नमेंट ने इनको नोटिस भेजा कि आप इन सबको एक ही प्राइस में लाओ, और जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स करा था 1,50,000 रुपये के अंदर आपका एक्सपेक्टेड प्राइस होना चाहिए, उसमें आना चाहिए आपका स्कूटर। तो वो चीज़ करने के पीछे ही सबको रिफंड करना पड़ रहा है, और TVS iQube ने भी ऐसा ही किया, 20 करोड़ रुपए का इनको रिफंड करना पड़ रहा है जितने भी TVS iQube के प्रीवियस कस्टमर्स हैं। लेकिन इन्होंने अभी क्या किया है कि अभी प्राइस बढ़ा दिए, जितना मुझे अभी पता चला है। मैंने क्या किया, TVS के जितने भी आउटलेट्स हैं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो, मेरे नियरेस्ट जो भी है, मैंने वहाँ पर कॉल करके बात करी। वहाँ से मुझे पता चला कि TVS की जो iQube है इसका प्राइस 10-11,000 रुपये बढ़ा दिया, मतलब जो चार्जर का प्राइस रिफंड कर रहा है ना 9,450 रुपये, ये प्राइस तो अभी रिफंड कर देंगे जिन्होंने पहले परचेस किया, लेकिन अब जो लेगा ना उनको चार्जर इंक्लूड करके देंगे, लेकिन चार्जर का प्राइस एक्स शोरूम प्राइस में ही इंक्लूड होगा। तो ये चीज मुझे लगता है कि वापस इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अगेंस्ट जा सकती है कि यार आपने प्राइस कम तो किया ही नहीं है, अब ये फेम टू सब्सिडी का कैसे फायदा उठा पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि TVS को प्राइस कम ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यार देखो प्राइस वही 1,35-1,40 तक जा रहा है, इससे कम रेट के अंदर दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ओला S1 Pro 1,25 के अंदर है, और हीरो वीडा भी है ना अब तो दिल्ली के अंदर तो और सस्ता है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में तो 1,08,000 है, दिल्ली में शायद तक और कम हो सकता है। तो प्राइस में देखो हीरो वीडा में भी डिफरेंस है, तो हीरो वीडा भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है, ओला तो पहले ही कॉम्पिटिशन में आ चुका है, एथर ने भी प्राइस कम किया उसके बाद वो भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है, तो ये सारे स्कूटर आज कॉम्पिटिशन के अंदर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है TVS को भी प्राइस आने वाले टाइम में कम करना ही पड़ेगा। बाकी अगर आपने TVS iQube पहले परचेस किया था तो आपको भी जल्दी रिफंड मिलेगा, रिफंड किस में मिलेगा, जो भी आपका सोर्स अकाउंट होता है उसी के अंदर आपको रिफंड आने के चांसेस है, बाकी कंपनी की तरफ से अपडेट आ जाएगा कि कैसे रिफंड करेंगे ये लोग। तो यही थी एक छोटी सी अपडेट TVS iQube को लेके और बाकी दूसरी कंपनियों को लेके भी, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लिया है तो थोड़ा टाइम और वेट कर लो, मुझे लगता है प्राइस और डाउन होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो शिकंजा कसा है ना इन सारी कंपनियों के ऊपर, इसकी वजह से सारे ही कस्टमर खुश हैं जिन्होंने भी ओला S1, जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले परचेस किया है या फिर वो परचेस करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में इसी तरीके के और ईवी अपडेट के लिए। ईवी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके बाय।